दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, आपने इसके बारे में कभी ना कहीं किसी ना किसी से तो सुना ही होगा। यहाँ आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। ये वही VIT AMINS वाले विटामिन्स हैं। आपने ज़रूर सुना होगा अपने पापा मम्मी को कहते हुए, सर्दियों में जा बेटा जा धूप में बैठ जा, नहीं तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ये फल खाया कर वो विटामिन बढ़ेगा, वो सब्जी खाया कर ये विटामिन बढ़ेगा। तो दोस्तों आखिर हैं क्या ये विटामिन्स और ये हमारी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं? दोस्तों बने रहिए आज की इस वीडियो में। मैं आपसे आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा, क्या है विटामिन्स, कैसे करते हैं काम, क्यों होती है हमें इनकी जरूरत और बहुत कुछ विटामिन्स की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर डिटेल में आपके लिए करूंगा सिंपलीफाई आज की इस वीडियो में भी हल्के में। दोस्तों अगर मैं आपको आसान भाषा में विटामिन्स के बारे में समझाऊं तो आपको कुछ ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है। आप जब एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं, वो पहले से ऐप आते हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का ऐप हो गया, ईमेल का ऐप हो गया, मैसेजेस का ऐप हो गया, और वो एक बेकार से ब्राउज़र का ऐप हो गया जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता। खैर ये जो ऐप्स होते हैं ये पहले से आते हैं, यानी कि प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं फिर जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है लेकिन वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं आते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तो हम उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर से या किसी और सोर्सेज से, ताकि हम अपने मोबाइल की प्रोडक्टिविटी को और फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकें और बेहतर तरीके से मोबाइल को काम में रख सकें। तो दोस्तों उसी तरीके से होता है विटामिन्स का कुछ यहाँ पर सीन। आप यहाँ पे अपनी बॉडी को कंसिडर करिए मोबाइल की तरह और विटामिन्स को प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की तरह, कुछ विटामिन्स प्री इंस्टॉल्ड ऐप की तरह आपके मोबाइल आपकी बॉडी में पहले से ही बनते रहते हैं, लेकिन कुछ विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी नहीं बना पाती, तो वो आपको ज़्यादातर आपके खाने से मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स जो आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं आते आप प्ले स्टोर और अदर सोर्सेज से डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये तो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया, अब अगर मैं आपको इसको थोड़ी और साइंटिफिक तरीके से इसका ब्रेक डाउन करूँ तो विटामिन दोस्तों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैं आपको बता दूँ इसलिए होते हैं क्योंकि ये कार्बन से बने होते हैं, जो हमें कभी कभी कम या कभी कभी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं अपनी बॉडी के अंदर के प्रोसेसेस को, सारे मामले को, सारी बिहाइंड द सीन जो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस हैं उन्हें काम में सही से काम में रखने के लिए, ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके, यानी कि सिंपली प्रोडक्टिविटी और फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी की हमें ज़रूरत पड़ती है विटामिन्स की। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ विटामिन्स जो होते हैं, ज़्यादातर विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती या फिर प्रोड्यूस करती भी है तो बहुत कम कर पाती है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है खाने की, और जो ये विटामिन्स होते हैं ये मिल जाते हैं हमें खाने से, और अगर नहीं मिल पाते तो आपने देखा होगा डॉक्टर को, कुछ लोगों को वो सजेस्ट करते हैं सप्लीमेंट्स, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उन कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है लोगों को तो वो सब उन्हें खाने से पूरी नहीं हो पाती, तो वो सप्लीमेंट उनकी उन विटामिन्स की कमी को पूरा कर देते हैं। लेकिन हाँ अगर सप्लीमेंट ज़्यादा लिए जाएं तो इससे हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे हमेशा एक डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई विटामिन्स की बात। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पर 13 तरह के हमारे जाने माने विटामिन्स होते हैं, जिनका अगर मैं आपको एक करके नाम बताऊं तो सबसे पहले आता है विटामिन ए, फिर विटामिन बी कैटेगरी आती है जिसमें आता है सबसे पहले तो विटामिन बी ही, फिर विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन, और चलते चलते आखिरी में आता है विटामिन बी ट्वेल्व, और फिर आता है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और आखिरी में आ जाता है विटामिन के। तो यही होते हैं दोस्तों पूरे 13 तरीके के विटामिन्स जो हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, अलग अलग तरीके से हमें मिलते रहते हैं, अगर नहीं मिलते तो हम कर लेते हैं सप्लीमेंट से इनकी कमी को पूरी। तो दोस्तों ये तो हो गई 13 विटामिन्स की बात। अब यहाँ पे दोस्तों जो विटामिन्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होती है फैट सॉल्युबल, दूसरी होती है वाटर सॉल्युबल। दोस्तों फैट सॉल्युबल वो विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फैट के साथ यानी कि चर्बी के साथ और या फिर लीवर में स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो ए डी और मैं आपको बताऊँ विटामिन के होता है, ये सारे हमारे दोस्तों फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। और अब दूसरी कैटेगरी जो दोस्तों होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यहाँ पे दोस्तों ये हमारी बॉडी में वाटर के साथ रहते हैं तो दोस्तों ये हमारी बॉडी में इतने लंबे टाइम तक नहीं रह पाते, जैसे ही हमारी बॉडी यूरिनेट करती है या हमारी बॉडी के साथ निकल जाते हैं दोस्तों हमें इनकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती रहती है मोर फ्रिक्वेंटली, जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं दोस्तों हमारी बॉडी में लंबे समय तक रह सकते हैं, कई बार तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में एक महीने तक भी रह सकते हैं, वही हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती रहती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। विटामिन सी और सारे विटामिन बी, फिर चाहे वो विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव या कोई सा भी विटामिन बी हो, और विटामिन सारे विटामिन सी भी जो हैं दोस्तों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। दोस्तों ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमें खाने से मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते दोस्तों हमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये हमारी जो अंदर बॉडी में विटामिन्स की कमी हो गई है वो पूरी हो जाए।
यहाँ पे अलग अलग जो विटामिन होता है अलग अलग काम करता है, उसके अलग अलग ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, अलग अलग मात्रा में ज़रूरत होती है, वो अलग अलग काम करता है। जैसे बिल्कुल अलग अलग ऐप्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वैसे ही यहीं पर विटामिन भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आपने सुना होगा विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, जो कि दोस्तों हमें ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि सनलाइट में से मिल जाता है। जी हाँ, धूप की रोशनी के, धूप के एक्सपोजर से हमें जो दोस्तों होता है विटामिन डी वो पूरी तरीके से मिल जाता है। और अगर कोई दोस्तों कभी कभी विटामिन की कमी हो जाती है हमारे अंदर, तो यहाँ काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो यहाँ पे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, या फिर कुछ और आंखों की डिसीज हो जाती हैं जैसे ड्राई कॉर्निया, या फिर अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है, जो कि ज़्यादातर होती तो नहीं है लेकिन अगर हो जाती है तो हमें यहाँ पे हो जाता है हेमोलाइटिक एनीमिया, जहाँ पर ब्लड सेल जो हमारे होते हैं बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बनने के बाद। या फिर विटामिन डी की कमी से, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों ये होते हैं कुछ विटामिन जिनकी कमी से दोस्तों हो जाती है प्रॉब्लम। तो दोस्तों हमें विटामिन इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को ढंग से काम में रखने के लिए। तो दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे विटामिन की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या है विटामिन, कैसे करते हैं काम, क्यों होती है हमें इसकी ज़रूरत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों फिर लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ इंटरनेट के खजाने से ऐसे ही खोज खोज कर नई नई वीडियोज लाता रहता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर, जहाँ पर मैं आपके लिए हफ्ते की कम से कम दो वीडियो लाने की तो पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। जहाँ पे दो सीरीज़ होती है हमारी, वेडनेसडे को एक सीरीज़ होती है जो कि होती है साइंस वर्ल्ड एंड मी, जहाँ पर हम साइंस को सिंप्लीफाई करते हैं, दुनिया की कुछ बातें करते हैं, अपनी कुछ बातें करते हैं। और सैटरडे को जो सीरीज़ होती है वो होती है टेक्नोलॉजी वीकली, जहाँ पर टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आपके लिए, हर टेक उस चीज़ को समझाता हूँ जिस चीज़, जो भी चीज़ फ्यूज करती है या मिसकंसेप्शन है जिस चीज़ का भी टेक को लेकर, यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी वीकली में करता हूँ। और अगर मौका मिल जाता है हफ्ते से दो ज़्यादा वीडियो लाने का, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी वीकली हो या साइंस वर्ल्ड एंड मी एक्स्ट्रा भी लाता रहता हूँ, और काफ़ी अलग अलग टॉपिक पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए और सब मेरा हौसला बनाए रखने के लिए अभी सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, और अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बना हो वीडियो के बारे में तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने का। तो आज के लिए नहीं, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।